फास्ट फूड या जिसे हम जंक फूड भी कहते हैं, इसे रोज रोज खाने से ये हमारी बॉडी को अंदर से कमजोर कर देता है और हमें बहुत सी बीमारियां भी लगा देता है और इसकी वजह से हमारी जल्दी ही मौत भी हो सकती है। दोस्तों, ये वो बातें हैं जो आप फास्ट फूड खाते दौरान हर अगले बंदे से सुनते होंगे, लेकिन यहाँ पॉइंट ये है कि कोई भी हमें ये नहीं बताता कि जंक फूड खाने से हमारी हेल्थ और स्पेशली हमारी एज पर क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि जंक फूड्स कैसे हमारी एज को कम करते हैं और साथ ही साथ आज के बाद आपको ये भी पता होगा कि आपने फास्ट फूड खाना है कि नहीं, अगर खाना भी है तो कब खाना है और अगर नहीं खाना तो क्यों नहीं खाना। ये सभी कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लो कि फास्ट फूड और जंक फूड, हम में से 80-90% लोग इन दोनों को एक ही समझते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों ही अलग अलग हैं। तो आइए पहले हम फास्ट फूड के बारे में जान लेते हैं। फास्ट फूड वो फूड्स हैं जो जल्दी से बनकर तैयार हो जाते हैं, जैसा कि ब्रेड एंड जैम, नूडल्स, सैंडविच और सैलेड वगैरह। और ये फूड्स इंसान की बॉडी के लिए तकरीबन हार्मफुल नहीं होते। बेसिकली ये फूड्स इन्वेंट करने का मकसद ये था कि अगर समटाइम्स बच्चों को स्कूल से लेट हो रहा हो और ब्रेकफास्ट रेडी ना हो तो पेरेंट्स बच्चों को जल्दी से ब्रेड के ऊपर जैम लगाकर दे सकते हैं, या अगर किसी को ऑफिस से लेट हो रहा हो तो वो जल्दी से सैंडविच बनाकर खा सकता है। लेकिन दोस्तों, इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप फास्ट फूड डेली बेसिस पर खाना शुरू कर दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये चीज आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है, इसलिए फास्ट फूड को सिर्फ इमरजेंसी में ही यूज करें। तो आइए अब हम जंक फूड्स के बारे में जानते हैं, और यही वो फूड्स होते हैं जो हमारी एज को कम करते हैं। लेकिन इससे पहले आप एक बात को अच्छे से माइंड में बिठा लो कि ह्यूमन बॉडी को 6 तरह के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, विटामिन, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, वाटर एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स के भी 2 टाइप्स होती हैं, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरी कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। दोस्तों, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं, क्योंकि ये फैट और शुगर लेवल को इंक्रीज करते हैं। होप सो कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब वापिस चलते हैं अपने असल पॉइंट पर। दोस्तों, जंक फूड्स जैसा कि पिज्जा, समोसा, स्पेगेटी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स और जूस वगैरह, इन सबके अंदर न्यूट्रिएंट्स की मिकदार इतनी कम होती है कि ये तकरीबन ना होने के बराबर है। और इन फूड्स के अंदर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा मिकदार में होते हैं, जो कि हमारी हेल्थ को बैडली अफेक्ट करते हैं और हमें मोटापे और डायबिटीज जैसी बीमारियों में मुब्तला करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जंक फूड्स के अंदर डिफरेंट टेस्ट बड्स भी यूज किए गए होते हैं, जिसकी वजह से हमें इनकी एडिक्शन हो जाती है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि हम किसी जंक फूड को छोड़ना चाहें भी तो भी हम इसे नहीं छोड़ पाते, क्योंकि हमें 1-2 दिन के बाद इसके लिए क्रेविंग होना शुरू हो जाती है और ऐसा लगता है कि अगर हमें पिज्जा या बर्गर खाने को नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे। असल में ये सब कुछ उन्हीं टेस्ट बड्स की वजह से होता है, जो कि हमारी सेंसेस को कमजोर कर देते हैं, जिससे डिप्रेशन जैसी कई और साइकोलॉजिकल डिजीज जन्म लेती हैं, और ऐसे में हमें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता और हम अपनी क्रेविंग पूरी करने के लिए रोज जंक फूड खाते हैं, जो हमें कुछ ही अरसे में अंदर से खोखला कर देते हैं और हम बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप ही बताइए कि अगर कोई इंसान अपनी यंग एज में ही बीमारियों का शिकार हो जाए तो वो अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय कर पाएगा। होप सो आप समझ गए होंगे कि कैसे जंक फूड्स हमारी लाइफ को तबाह करते हैं। तो दोस्तों, अब बारी है ये जानने की कि जंक फूड से पीछा कैसे छुड़वाया जाए। तो इसका सिंपल और बहुत हेल्पफुल सोल्यूशन ये है कि आप 80-20 रूल में इसे डिवाइड कर लें, यानी वीकली बेसिस पर आप 80% हेल्दी फूड खाएं, जैसा कि फल, सब्जियां और दालें वगैरह। इससे आपकी बॉडी के सभी न्यूट्रिएंट्स पूरे होते रहेंगे और 20% आप जंक फूड खा लें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इस रेशो को कम करते जाएं। ये मेथड आपको सच में बहुत हेल्प करेगा, इसलिए इसे एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा और ये सब कुछ आपको लाइफ में हेल्प भी करेगा। तो इसी तरह की मजीद चीजें सीखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।